डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, ये क्लास सिक्स का मैथ है, एनसीईआरटी का ये मैथ है। चैप्टर फोर है, चैप्टर थ्री तक कंप्लीट हो चुका है और हम लोग इसके आगे बनाएंगे। तो यहाँ चैप्टर का नाम आप देख लीजिए, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। कई बच्चे ज्योमेट्री का नाम सुनते ही उसको प्रॉब्लम सब फील होने लगता है। एक्चुअली होता क्या है, मैथ में समझने में जो क्वेश्चंस प्रॉब्लम होता है वही हमको दिक्कत करता है, जिसको हम बेहतर ढंग से नहीं समझ पाते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या कुछ हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो ज्योमेट्री वर्ड जो है वो किस वर्ड से बना हुआ है, अब देख रहे हैं, ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ज्योमेट्रॉन, जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्रॉन का अर्थ होता है मेजरमेंट। तो दुनिया में ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग मापते हैं और उसके द्वारा उसकी जानकारी प्राप्त होता है, उसके द्वारा उसके साइज शेप का पता चलता है। तो इसी तरह का चीज़ें जो है ज्योमेट्री, ये चैप्टर जो होता है उसी तरह की चीज़ें बतलाता है। फर्स्ट में दिया हुआ है पॉइंट्स दिया हुआ है। तो पॉइंट किसे कहते हैं इसके बारे में सबसे पहले जान लेंगे। तो यहाँ पे बाय ए शार्प टिप ऑफ द पेंसिल मार्क ए डॉट ऑन द पेपर, एक पेपर पे जो है आप पेंसिल के नोक से उसमें एक चिन्ह बनाइए, वही पॉइंट होता है। पहले जब हम लोगों को बताया जाता था पॉइंट के बारे में, तो उसमें बताया जाता था ऐसी मैथमेटिकल फिगर जिसमें ना लेंथ हो, ना ब्रेथ हो और ना ही हाइट हो। तो ऐसे मैथमेटिकल फिगर को पॉइंट कहते हैं। तो वो एक डॉट के जैसा होता है, डॉट ही होता है वो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखिए द टिप ऑफ ये कंपास, कंपास का जो टिप होता है, पेंसिल का जो टिप होता है, ये नीडल का जो ये टिप होता है, उसको पॉइंट कहा जाता है। तो पॉइंट को हम किससे लिख सकते हैं, ए बी सी, इस तरह से लिखा गया है पॉइंट्स को, इस तरह से दर्शाया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं, ए लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट जो होता है, यहाँ से देख रहे हैं ए से बी तक कोई निश्चित मेजरमेंट, एक लाइन का जो कोई निश्चित मेजरमेंट जो होगा, नाप होगा, उसी को लाइन सेगमेंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ से पकड़ा हुआ है और यहाँ से यहाँ तक, तो ये लाइन सेगमेंट हो गया। लाइन सेगमेंट को हिंदी में बोला जाता है रेखाखंड, मतलब लाइन का एक टुकड़ा, इसीलिए रेखाखंड उसका नाम है। और फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे एज दिया हुआ है, एन एज ऑफ ए बॉक्स, मतलब एज मतलब ये है, ये लाइन सेगमेंट हो गया, इस तरह से यहाँ तक हो गया तो लाइन सेगमेंट हो गया। एक पोस्ट कार्ड का टुकड़ा हो गया तो उसका किनारा जो हो गया वो लाइन सेगमेंट हो गया। इस तरह से लाइन सेगमेंट को हम लोग जान सकते हैं। और लाइन सेगमेंट को लिखने का तरीका होता है ए बी और ऊपर में इस तरह से बार लगाया जाता है। ये हो गया लाइन सेगमेंट। यहाँ लाइन सेगमेंट जब एक साथ मिलता है तो वहाँ पे एंगल हम लोगों को प्राप्त होता है। यहाँ पे देख रहे हैं ए बी सी, इस तरह से मिला हुआ है ए पे, तो हमें ट्रायंगल प्राप्त हुआ है। उसके बाद लाइन, ए लाइन दिया हुआ है। लाइन क्या होता है, लाइन का अर्थ होता है रेखा, जिसको हिंदी में बोला जाता है। तो लाइन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इमेजिन दैट द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी, कि आप कल्पना कीजिए कि ए टू बी जो लाइन सेगमेंट हम लोग पढ़े तो उसको जो है एक्सटेंड करते हैं, एक ही ओर एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड ए इन वन डायरेक्शन एंड बियॉन्ड बी इन द अदर डायरेक्शन, मतलब ए को हम उसके ही डायरेक्शन में, उसकी दिशा में जैसे कि वो जा रहा है, उसी ओर हम और आगे बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। बियॉन्ड मतलब अनंत तक चलते रहना। इसके बाद बी में इसको भी आगे बढ़ाते रहते हैं, इतना दूर बढ़ाते हैं मतलब उसका कोई लिमिट ना। तो ये हो गया, इस तरह से जो है उसी को कहा जाता है ए लाइन। तो लाइन इस तरह से हम लोग एरो दिया जाता है लाइन में, यहाँ पे ये बतलाता है कि ये और आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग बढ़ा के दिखा नहीं सकते, उसका कोई लिमिट नहीं है, इसीलिए एरो लगा दिया जाता है। ये हो गया। उसके बाद लाइन में यहाँ पे दिखाया गया एक स्ट्रेट लाइन तो है ही, उसके बाद सेलेंट लाइन होता है इस तरह से, और यहाँ पे दिया हुआ है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है एक लाइन एक दूसरे लाइन को, दूसरे लाइन को काटता है, और जिस पॉइंट पे काटता है उसको बोलते हैं इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब ये होता है काटना। तो यहाँ पे एक लाइन L है, L1 और L2 एक दूसरे को काट रहा है P पॉइंट पे, इस तरह से इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। यहाँ पे कई तरह का दिया हुआ है, जैसे रोड हो सकता है, और इस तरह से जब कोई घर बना हुआ रहता है तो उसके पॉइंट्स को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो वहाँ पर इंटरसेक्टिंग मिलता है हम लोगों को। इसके आगे दिया हुआ है पैरेलल लाइन्स, पैरेलल समांतर रेखा। पैरेलल मतलब होता है दो रेखाएँ जब एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं और उसकी दूरी समान होती है। यहाँ पे देख रहे हैं ये ए और बी और डी सी, ये दोनों लाइन जो है ए बी और डी सी, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, और यहाँ पे डी ए और सी बी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इस तरह से पैरेलल लाइन बतलाया जाता है। और इसके आगे क्या है, उसके बाद फिर हम लोग को मिलेगा रे। रे मतलब होता है किरण। किरण इसका अर्थ है कि एक बिंदु से वो शुरू होता है और उसका दूसरा पॉइंट जो होता है अनंत तक जाता है, जाते रहता है। तो जैसे कि यहाँ टॉर्च का लाइट दिया हुआ है, यहाँ से ये शुरू हुआ और आगे तक जाते रहेगा, लेकिन पीछे नहीं जाएगा, वो एक ही तरफ जाना है, उसको एक ही तरफ जाना है, एक ही तरफ जाएगा, इस तरह से उसको रे बोला जाता है। तो उसको दिखाया कैसे जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ए पी, एक जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और दूसरा पॉइंट जो होता है
वो एरो दिया जाता है, ताकि वो इससे पता चलता है कि वो आगे अनंत तक जाते रहेगा। इस तरह से एरो ये रेज दिखाया जाता है। यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 दिया हुआ है, मैं आप लोगों को इसको पेपर में बनाकर दिखाऊंगा। इसके अलावा और कई सारी चीज़ें जो है इस चैप्टर में दिया हुआ है, मैं शॉर्ट में आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है कर्व्स। कर्व्स मतलब होता है वैसा लाइन जो टेढ़ा हो, घुमा हुआ हो, इस तरह का लाइन्स जो होता है वो कर्व होता है। यहाँ पे देख रहे हैं लाइन हमेशा सीधी हो ये गारंटी नहीं है, टेढ़ी हो सकती है, इसीलिए उसको कर्व कहा जाता है, मतलब टेढ़ी लाइन। पॉलीगॉन्स यहाँ पे दिया है, तो पॉलीगॉन्स में सारे फिगर्स जितने आते हैं वो सारे आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें त्रिएंगल होता है, और इसी तरह से त्रिएंगल, फोर एंगल, फाइव एंगल, जितने भी कोना बनते जाए वो सब सारे पॉलीगॉन में आते हैं। यहाँ पे जैसे बताया गया है कि ये जो पिक्चर बना हुआ है ये पेंटागॉन है, और पेंटागॉन तो यहाँ पे ये बड़ा है, ये थोड़ा सा इससे छोटा है, ये कुछ ज़्यादा छोटा है, इस तरह का दिया गया है। तो इसको पेंटागॉन तो हम कह सकते हैं, लेकिन रेगुलर पेंटागॉन नहीं कह सकते। तो रेगुलर क्या होता है? रेगुलर का मतलब होता है कि उसके सभी साइड जो है वो इक्वल होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जो दिया हुआ है ये पेंटागॉन फिगर जो दिया हुआ है, तो इसमें सभी साइड इक्वल है, इसीलिए इसका नाम होगा रेगुलर पेंटागॉन। ये हो गया। यहाँ पे दिया हुआ है इसमें चार कोना है, और जिसमें चार कोना मतलब फोर एंगल्स हो उसको बोला जाता है क्वाड्रिलेटरल। वो अलग अलग शेप में हो सकता है, तो इसमें भी कई सारे शेप होते हैं, इसको आप आगे पढ़ते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है एक इस तरह से गोलाकार जो रहेगा इसको कहा जाता है सर्कल, और सर्कल में एक मिड पॉइंट होता है जो बीच में होता है। उसके बाद वहाँ से जो लाइन खींची जाती है इसके लाइन सर्कल लाइन तक, तो उसको बोला जाता है आर, त्रिज्या जिसको बोला जाता है हिंदी में, रेडियस बोला जाता है इंग्लिश में, रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है रेडियस। उसके बाद उसी लाइन को पॉइंट से होते हुए सर्कल लाइन के इस पार से लेकर उस पार तक जाते हैं, तो उसको बोला जाता है डायमीटर। यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर रेडियस का डबल होता है, और रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है, इस तरह से बताया जाता है। इसके बारे में डिटेल में आप और आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे इस तरह से पी और क्यू जो लगाया जाता है इसको आर्क बोला जाता है। सर्कल में और कई पार्ट होते हैं, ये सेक्टर इस तरह से जो कट के ट्रायंगल जैसा बना हुआ रहता है उसको सेक्टर कहा जाता है, और यहाँ पे इस तरह से जो कटा हुआ रहता है तो इसको सेगमेंट कहा जाता है। सेगमेंट और सेक्टर, इसको आप अगले क्लास में और आगे क्लास जब जाएंगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे उतना ज़्यादा डिटेल नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पे एक्सरसाइज 4.6 जो इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है, और इसमें इतना ही दिया हुआ है, मैंने शॉर्ट में बता दिया है। आप जितना इस एक्सरसाइज को, इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करते जाएंगे तो आपको डीप नॉलेज इसका मिलते जाएगा। तो आइए मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करके दिखाता हूँ पेपर में। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं पेपर पे। ये एनसीईआरटी का मैथ है क्लास 6 एक्सरसाइज 4.1। और यहाँ पे सबसे पहली बात आप लोग ये समझ लीजिए कि जैसे ही बच्चे इस तरह के लाइनिंग देखते हैं बुक में, वैसे ही जो है वो डर जाते हैं, लगता है कि पता नहीं ये बनेगा या नहीं बनेगा, समझ में आएगा क्या होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आसानी से आप समझ सकते हैं इसको। देखिए मैं बताता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ, पता चल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले पढ़ते हैं, यूज़ द फिगर टू नेम। यहाँ पे ये जो फिगर दिया हुआ है, पिक्चर जो है, इसको इसमें कुछ नाम पूछा गया है, जो कुछ भी पूछा गया है तो उसका नाम बतलाना है। तो यहाँ पे ए नंबर में पूछा गया है 5 पॉइंट्स। यहाँ पे पॉइंट्स मतलब बतला चुके हैं, ये डॉट जो होता है, इस तरह का डॉट जो दिया हुआ है उसी को पॉइंट्स बोला जाता है। तो 5 पॉइंट्स का नाम पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फिगर में कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे ऑलरेडी 5 दिया हुआ है, इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। तो हम लोग इसका आंसर यहीं पे लिख सकते हैं, क्या हो सकता है, 5 डॉट्स मतलब 5 पॉइंट्स। क्या हो गया, डी ई सीरियल नंबर से लिख सकते हैं, जैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से भी लिख सकते हैं, इधर से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 100% सही होगा। डी ई ओ क्या लिखते हैं, डी कोमा लगा देते हैं, ई ओ बी सी, बी सी, ये हो गया, यही ए नंबर का आंसर हो गया, कंप्लीट। ए लाइन, लाइन लिखना है इसमें, लाइन तो दिया हुआ है और कई यहाँ पे लाइन निकल सकता है। डी ई भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, और हाँ, और इधर से भी नाम ले सकते हैं। जैसे हम एक लाइन लिए डी ई, तो हम ई डी भी ले सकते हैं, इसलिए इसमें कई सारे आंसर बन सकता है। और यहाँ पे एक ही लाइन पूछा गया है, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कहीं से भी उठाकर दे सकते हैं, डी ई ई ओ ओ ई, या किसी को भी दे सकते हैं। तो हम लोग दे देते हैं, इसको दे देते हैं डी बी, बड़ा वाला दे देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी बी। और लाइन दिखाने के लिए क्या किया जाता है, इस तरह से ऊपर में एक बार लगाया जाता है और उसमें एरो लगाया जाता है दोनों साइड, लाइन में दोनों साइड। ये हो गया कंप्लीट। इसका आंसर 4 रेज। रेज क्या होता है, एक पॉइंट से शुरू होता है और उसका दूसरा पॉइंट जो होता है वो इंडलेस होता है।
तो यहाँ पे फोर रेज मांग रहा है। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे, लेकिन क्या है उस पर ऊपर में जो लगता है वो एक साइड एरो रहेगा, एक साइड नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हो गया डी ई, यहाँ पे आगे जाएगा, ये बनेगा डी से शुरू हुआ आगे जाएगा, ई डी ई से शुरू हुआ इधर आगे जाएगा, इसीलिए कोई भी नेम हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसका ले लेते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, ओ सी इसको भी ले सकते हैं, जैसे ओ सी हो गया, ओ सी इस पर हम सी सी की ओर जा रहा है तो एरो इस पर लगा देंगे, कोमा लगा देते हैं, चार ठो लेना है। तो उसके बाद ओ बी, ये बी की तरफ जा रहा है तो ओ लगा दिए, ओ बी बी, अब ये इधर जा रहा है इस तरह से एरो लगा दिया। फिर ओ ई, ये इधर जा रहा है तो लगा देते हैं ओ ई, ये इधर जा रहा है, ओ डी कॉमा लगाते हैं, ओ डी ये इधर जा रहा है, एरो लगा दिया। ये चार हो गया, फोर रेज, ये इसका आंसर हो गया कंप्लीट। फाइव लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट मतलब जिसको हिंदी में बोला जाता है रेखाखंड, लाइन का टुकड़ा। तो लाइन का टुकड़ा फाइव, फाइव बोल रहा है तो यहाँ किसी को भी ले सकते हैं, जैसे डी ई हो गया, ये पॉइंट टू पॉइंट लेना है, यहाँ एक हो गया, फिर यहाँ से यहाँ एक हो गया, दो हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तीन हो गया, फिर यहाँ से यहाँ चार हो गया, और फिर इसी को नाम को उलट के कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ कर देंगे डायरेक्ट, या यहाँ फिर यहाँ से यहाँ कर देंगे, या इधर से इधर कर देंगे, कई सारा इसमें नाम आ सकता है। तो हमको सिर्फ पाँच लेना है, तो पाँच ले लेते हैं यहाँ से डी ई, तो डी ई, और लाइन सेगमेंट में सिर्फ इस तरह से बार रहेगा, बस सीधा हो गया, एक हो गया, ई ओ, ई ओ इसमें इस तरह से सीधा रख दिया, दो हो गया, तीन ओ बी ये हो गया, इसको भूलना नहीं है। उसके बाद ओ सी, यहाँ से यहाँ ले सकते, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे ले लेते हैं ओ सी, ओ सी यहाँ पे लिखते हैं ओ सी, तो इस पर इस तरह से बार लगाएंगे, और ये तो हो गया, और यहाँ से एक डी ओ ले लेते हैं, डी ओ इस पे यहाँ लगा दिए, बस ये हो गया, इसका कंप्लीट आंसर हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू है, और इसमें क्या कह रहा है, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल, ऑल पॉसिबल यहाँ पे ब्रैकेट में 12 दिया हुआ है, इसका मतलब पॉसिबल जितना होगा 12 पॉसिबल हो रहा है यहाँ पे, वेज मतलब 12 तरीके से इसका नाम हम लिख सकते हैं, तो 12 नाम यहाँ पे आएगा। चूजिंग ओनली टू लेटर्स एट ए टाइम फ्रॉम द फोर गिवन, यहाँ पे जो लाइन दिया हुआ है और इसमें फोर पॉइंट्स दिया हुआ है, और इसका लाइन सेगमेंट का नाम लिखते हुए इसमें 12 लाइन सेगमेंट का नाम लिखना है जो कि पॉसिबल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उतना पॉसिबल है, इसीलिए उतना लिखने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे इस ढंग से लिखना है कि जैसे लिखना है ए बी ए सी इस तरह से लिखना है, तो यहाँ पे 12 नाम जब लिखने के लिए आएगा तो ज़्यादातर क्या होता है, इस तरह का पिक्चर देखने के बाद लगता है कि पता नहीं कैसे लिखा जा सकता है, या फिर मान लीजिए कि हम एक बार लिख लेते हैं तो वो याद कैसे रहेगा, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इसको हम याद कैसे रख पाएंगे, कहीं से हम लिख भी लेते हैं तो वो कैसे याद रहेगा, बाद में कभी भी पूछ दिया गया इसको लिखना है तो फिर पता चलेगा कि भूल गए, लिख ही नहीं पाए, तो इसको लिख कैसे सकते हैं और कैसे याद रख सकते हैं, दोनों चीज़ पता चल जाएगा। यहाँ से शुरू कीजिए, ए से देखिए पता चल जाएगा, यहाँ पे ए से शुरू करते हैं, ए बी एकदम ध्यानपूर्वक ध्यान देना है, यहाँ पे ए बी हो गया, ए बी सब में बार लगाते जाएंगे क्योंकि लाइन सेगमेंट है ये, ए बी उसके बाद फिर ए से शुरू करेंगे, ए से जितना बनेगा उतना पहले हम लिख लेंगे, तो इसीलिए इस तरह से याद रख सकते हैं आप, ए से पहले ए बी हो गया, ए सी ए सी ये हो गया, उसके बाद फिर ए डी ए डी हो गया, तीन ठो बन गया इससे, उसके बाद फिर हम ए छोड़ देंगे, बी से चलेंगे, बी से पहले इधर चलते हैं, बी सी बी सी, उसके बाद बी डी बी डी हो गया, उसके बाद फिर बी से पीछे जाएंगे क्योंकि आगे खत्म हो गया, ये बच गया है बी ए ये हो गया, उसके बाद बी खत्म हो गया, तो सी सी लेते हैं, सी यहाँ कोमा रहेगा, सी डी ये हो गया, यहाँ पे बार लगा देते हैं सी डी, उसके बाद सी से पीछे लेंगे सी बी सी बी सी बी हो गया, बार लगा दें इस पर, और सी ए सी ए सी से हो गया, अब यहाँ पे डी से चलते हैं, डी से तो इधर कुछ नहीं मिलेगा, डी से इधर चलते हैं, डी सी ये हो गया, इस पर बार लगा दिए, सी डी बी डी बी ये हो गया, उसके बाद डी ए ये हो गया। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि ए से तीन बना, वन टू थ्री, बी से तीन बना, वन टू थ्री सिक्स हो गया, फिर सी से तीन बना, मतलब सब से तीन तीन बना, तो फोर है और तीन तीन बना, मतलब
3 चौक 12 हो गया, मतलब 12 बन गया, पॉसिबल कितना दिया था 12, तो 12 बन गया। और इस तरह से हम लोग याद भी रख सकते हैं, आसानी से याद रह जाएगा। एक जिससे लेटर दिया हुआ है उससे बनाएंगे, 3 बनेगा, फिर इससे 3 बनेगा, फिर इससे 3 बनेगा, फिर इससे 3 बनेगा। इस तरह से हम लोग आसानी से इसको याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे यूज द फिगर टू नेम, ये फिगर जो दिया हुआ है, यहाँ पे पिक्चर बना हुआ है और यहाँ पे जो नाम पूछा जा रहा है, तो इस फिगर के अनुसार इसके इसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, उस लाइन को लिखना है जिसमें ई आया हुआ है, ठीक है, जिसमें ई है। तो हम यहाँ पे ये लाइन देख रहे हैं ए ई, ये लाइन में भी आया हुआ है और इसको भी लिख सकते हैं एफ ई, ये दोनों लाइन लिख सकते हैं, दोनों पॉसिबल है। तो लाइन कंटेनिंग, यहाँ ध्यान देना है कि लाइन बोला गया है, मतलब एस नहीं लगा हुआ है, प्लुरल नहीं है, मतलब एक ही लाइन के बारे में लिखना है। दो लाइन यहाँ तो आ रहा है लेकिन हमको एक लिखेंगे तो काम चल जाएगा, तो हम लिख लेते हैं ए ई। तो लाइन लिखना है तो इसको ए ई, ये इसका आंसर हो गया। और यहाँ पे लाइन का ये सिंबल दे देना है, हो गया, दोनों तरफ हो गया कंप्लीट। यहाँ पे लाइन पासिंग थ्रू ए, लाइन पासिंग मतलब एक ही लाइन के बारे में बात कर रहा है, ध्यान रखना है कि एक आंसर सिर्फ देना है। लाइन पासिंग थ्रू ए, ए से कौन सा लाइन पास हो रहा है, ए से, तो ए से कौन सा लाइन पास हो रहा है, ये सब बी से पास हो रहा है, ये ई से, ई से पास हो रहा है, तो ए से जो लाइन पास हो रहा है वो यही लाइन है, ए ई लिख सकते हैं, इसका भी आंसर वही हो जाएगा। या ए बी लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, अलग दे सकते हैं, या फिर इसी को लिख सकते हैं। तो ए डी डाल देते हैं, ए डी, और इसमें लाइन बोल रहा है तो लाइन का सिंबल डालते हैं यहाँ पे एरो दोनों तरफ, ये हो गया। लाइन ऑन विच ओ लाइज, वह लाइन बतलाना है जिसमें ओ है, तो एक ही लाइन के बारे में यहाँ पे बतला रहा है, तो लाइन कौन से लाइन में ओ है, अब देख रहे हैं यहाँ पे है, तो ये लाइन जो है यही इसी में ही ओ है, तो ये जो है सी ओ या फिर ओ सी, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सी ओ लिख देते हैं, सी ओ, और यहाँ लाइन की बात कर रहा है, मतलब लाइन का सिंबल देना है ये एरो, हो गया। टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, मतलब दो जोड़ा बतलाना है जो एक दूसरे को काट रहा है, मतलब उसमें दो लाइन आएगा पेयर, अब पेयर मतलब समझ रहे हैं कि जोड़ा हो गया, तो यहाँ पे जोड़ा, तो फर्स्ट पेयर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये लाइन हो गया और ये लाइन एक दूसरे को काट रहा है, ये हो गया। यहाँ पे हो जाएगा ए ई और इसको काट रहा है सी ओ, एक पेयर हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट में लिख लेते हैं, फर्स्ट पेयर जो है ए ई, ठीक है, यहाँ पे ये टू पेयर इंटरसेक्टिंग लाइन्स बोल रहा है, तो यहाँ पे लाइन्स लाइन का ये सिंबल डाल देते हैं, एंड लिख देते हैं एंड, और यहाँ पे इसको काट रहा है ओ सी, ओ सी लिख देते हैं ओ सी, और यहाँ पे ये और ये हो गया, एक पेयर हो गया। दूसरा पेयर इधर लिख देते हैं, दूसरा पेयर यहाँ पे इस लाइन को काट रहा है ई एफ, तो यहाँ पे इसमें कॉमा डाल देते हैं, इसके बाद हो जाएगा ए ई, फिर से लिखते हैं इसको ए ई, ए ई इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है ये ई एफ, तो एंड लिखते हैं ई एफ, ये दो पेयर हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, ये इसका आंसर हो गया डी का, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू, ए में दिया हुआ है 1 गिवन पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, एक पॉइंट दिया हुआ है, तो कितने लाइन पास हो सकते हैं, यहाँ पे लाइन दे दिए, कितने लाइन पास हो सकते हैं, एक पास कर दिए, फिर दो पास कर दिए, तीन पास कर दिए, चार कर दिए, पाँच कर दिए, इस तरह से बहुत सारे, मतलब काउंटलेस, मतलब जिसका गिनती नहीं हो सकता, इतने सारे लाइन पास हो सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ए, यहाँ पे ए लिख देते हैं और इसका आंसर लिख देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर ए का आंसर हो जाएगा इनफिनाइट, मतलब अनंत, बहुत सारे, काउंटलेस जिसको बोला जाता है। और बी नंबर में क्या दिया हुआ है, टू गिवन पॉइंट्स, अब टू गिवन पॉइंट्स यहाँ पे है बी नंबर में, यहाँ पे ये हो गया, तो एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, क्या करेंगे, इसको जो है लाइन कितना खींचा जा सकता है, एक लाइन खींच दिए और लाइन नहीं खींचा जा सकता है दो ही पॉइंट से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन, ओनली, ये हो गया क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हो गया, ये हो गया 4 नंबर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे ध्यान देना है, सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पे इजी क्वेश्चन है। ड्रॉ ए रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यहाँ पे जो कुछ भी बताया जा रहा है इसको सुटेबल करे, इस तरह का एक रफ फिगर बनाना, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, ए बी, ए बी, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है ये लाइन सेगमेंट बनाने के लिए कह रहा है, और जिसमें कि पॉइंट पी हो, तो ये सिंपल सा है, यहाँ पे एक लाइन खींचना है, ये लाइन खींच दिए, और इसमें पॉइंट रखना है, क्यों, इसलिए रखना है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट क्या है, ए बी,
हो गया। और इसमें पी मांग रहा है, कहीं पी रख दीजिए, यहाँ पे पॉइंट रख देते हैं और ये इसका नाम देते हैं पी। ये हो गया ए बी लाइन सेगमेंट में पी इसमें स्थित है, इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे बी नंबर में क्या हुआ, यहाँ पे एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम, ये लाइन है, लाइन का ये दिया हुआ है, इधर भी एरो है इधर भी एरो है, बहुत छोटा पतला दिख रहा है, हो सकता है आप लोग को ना दिखे, मैं बता दे रहा हूँ कि ये लाइन दिया हुआ है एक्स वाई और ये पी क्यू दोनों ही लाइन है। अब ये दोनों एक दूसरे को काट रहा है, कहाँ काट रहा है, एम पे, तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे एक लाइन बनाना है, एक बना दिए और ये दूसरा लाइन बना दिए इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका नाम दे देते हैं एक्स वाई, ये एक्स है और ये वाई है, हो गया। और यहाँ पे पी क्यू, यहाँ पे पी दे देते हैं, पी क्यू क्यू, ये हो गया, ये लाइन है इसीलिए सब में एरो एरो एरो, और इसमें भी एरो और यहाँ भी एरो, ये हो गया। यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ये पॉइंट यहाँ पे एक्स जो है यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ आएगा और यहाँ पी क्यू, ये हो गया। और ये किस पे कट रहा है, जो पॉइंट कट रहा है ये पॉइंट यहाँ पे है और ये पॉइंट कट रहा है एम, तो एम पे डाल दिए एम, बस ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सी, लाइन एल कॉन्टेंस ई एंड एफ बट नॉट डी, एक लाइन एल खींचना है जिसमें ई एफ है, पॉइंट है ये सब, लेकिन डी नहीं है, तो यहाँ पे खींचते हैं एक लाइन, तो एक लाइन खींच देते हैं, ये लाइन खींच दिए, आप सीधा स्केल से लाइन खींच लेना है, मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ, तो ये लाइन खींच लिए। अब ये कौन सा लाइन है, ई एफ, यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं ई एफ, यहाँ पे नाम लिख देते हैं ई एफ, और यहाँ बट नॉट टी, यहाँ पे पॉइंट ई है एफ है लेकिन डी नहीं है, तो डी कहाँ, इसको साइड कर देते हैं, एक पॉइंट यहाँ दे देते हैं और इसको लिख देते हैं डी, ये डी है, तो डी पॉइंट जो है ये इस पर लाइज नहीं है, मतलब इस पर स्थित नहीं है, ये लाइन एल हो जाएगा, ये लाइन जो है इसका नाम एल हो जाएगा, एल एल नाम का लाइन है ये। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी में ओ पी, यहाँ पे लाइन का सिंबल दिया हुआ है ओ क्यू, मीट एट ओ, ये दोनों लाइन है और ये दोनों मिलते कहाँ हैं, ओ पे मिलते हैं, तो यहाँ पे लाइन बना लेना है, तो लाइन का बनाना है इसीलिए जो है एरो डालना है, तो एक लाइन इस तरह से बना लेते हैं, ये बना दिया, आपको सीधा लेना है, यहाँ पे सीधा नहीं हो रहा है क्योंकि स्केल नहीं है मेरे पास अभी, तो यहाँ पे एरो दे देते हैं और फिर यहाँ भी एरो दे देते हैं, फिर यहाँ पे ये जो है इस ये लाइन इसमें पॉइंट दे देते हैं, क्या बोल रहा है ओ पी, तो ओ दे देते हैं, यहाँ पे नाम दे देते हैं ओ, यहाँ पे पी, हो गया। उसके बाद फिर एक लाइन है ओ क्यू, ओ क्यू, तो यहाँ ओ दिख रहा है और ओ जो है दोनों ही लाइन ओ पे मिल रहा है, तो इसको यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ से इस पॉइंट से होते हुए एक लाइन खींच देते हैं और ये लाइन जो है यहाँ पे इस तरह से जाएगा, एरो लगाना है, ओ ये दोनों लाइन जो है ओ पे मिल रहा है और यहाँ पे देना है क्यू, ओ क्यू ओ क्यू, ये जो है क्यू, ये हो गया, इस तरह से बन गया, सिंपल सा है, आप इसको कॉपी में थोड़ा बड़ा करके बना लेंगे, मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे बतला दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ज़्यादा हार्ड नहीं है इसलिए मैं आप लोगों को अलग पेपर पे बना के नहीं दिखा रहा हूँ, इजी क्वेश्चन है, बस यूँ समझिए कि बस चलते फिरते ये सब क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए मैं इस पर बना के दिखा दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर सिक्स, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन, यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है एम एन, एम एन ये दिखा रहा है, ये लाइन दिया हुआ है, तो इसमें कई सारा पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट्स दिया हुआ है, एम एन बोल सकते हैं, ओ एन बोल सकते हैं, तो यहाँ पे एम एन बताया गया है। से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर, तो यहाँ पे इस पिक्चर के अनुसार बतलाना है, यहाँ जो स्टेटमेंट दिया हुआ है क्या ये सही है या गलत है, तो इसको हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ना है और देखना है क्या है। क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन, तो एम एन लाइन बोल रहा है तो ये आगे बढ़ते जाएगा, इसीलिए सारा पॉइंट्स जो है एम एन में आ रहा, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा, इसमें एम एन अब लाइन बोल रहा है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कहना है कि एम और एन है तो फिर क्यू कहाँ से आ रहा है, तो लाइन बोल रहा है, लाइन मतलब कि ये आगे बढ़ते जाएगा, अगर लाइन सेगमेंट बोलता तो आगे नहीं बढ़ता, ये यहीं तक रुक जाता और ये यहाँ तक रुक जाता, मतलब ये सब पॉइंट्स जो है इसके बाहर वाला पॉइंट इसमें नहीं आता, लेकिन लाइन बोल रहा है इसीलिए सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा ट्रू, ट्रू हो गया। अब यहाँ पे एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन ए लाइन सेगमेंट एम एन, अब यहाँ लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है, तो एम एन है, एम एन एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन, तो लाइन सेगमेंट एम ओ, ओ बोल रहा है तो ओ इसके अंदर है, इसीलिए ओ जो है इसमें लाइज मतलब इसमें स्थित है, तो इसीलिए ये ट्रू हो जाएगा, एम एन के अंदर ही है, तो ये ट्रू हो गया।
एम एंड एन आर इन पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट एम एंड एन लाइन सेगमेंट एम एन का इंड पॉइंट है एम और एन, लाइन सेगमेंट एम एन। तो अगर हम लाइन सेगमेंट अगर लेते हैं तो कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, तो यहाँ ये खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा। इंड पॉइंट ये शुरू यहाँ इधर से हुआ, यहाँ खत्म हो गया, और यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म हो गया, मतलब इंड पॉइंट है, इसका मतलब ये ट्रू है। ओ एंड एन आर इंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ओ पी, तो ओ पी लाइन सेगमेंट होगा तो उसका इंड पॉइंट ओ पी ही होगा, ओ एन नहीं होगा। ओ पी यहाँ से शुरू हुआ यहाँ गया, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ गया, ओ पी, और यहाँ बोल रहा है कि इंड पॉइंट क्या बोल रहा है, ओ एन बोल रहा है, ओ एन, तो यहाँ तक कैसे जाएगा, फिर इतना छोटा रह जाएगा, इसका मतलब है कि इंड पॉइंट एन नहीं है, तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो गया। एम इज़ वन ऑफ द इंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू ओ, लाइन सेगमेंट एम इज़ द वन ऑफ, मतलब एक इंड पॉइंट है एम, तो एम ऐसा नहीं होगा, क्यों, अगर होगा तो यहाँ भी उसका नाम आएगा। क्यू ओ यहाँ पे देख रहे हैं क्यू ओ, तो क्यू ओ के बीच में एम है, इसका इंड पॉइंट नहीं हो सकता, इंड पॉइंट रहता तो इसका नाम आता, क्यू एम रहता तो यहाँ से यहाँ तक जाता, इंड खत्म हो जाता यहाँ पे, तो ये नहीं है, मतलब फॉल्स है ये, फॉल्स। अब यहाँ पे एम इज पॉइंट ऑन रे ओ पी, ओ पी, अब यहाँ पे रे देख रहे हैं, रे में क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और दूसरा पॉइंट जो है चलते रहता है, तो ओ से पी की ओर जा रहा है उधर, और उसमें बोल रहा है कि एम इसका पॉइंट है, ये इधर से यहाँ से इधर इधर आगे जा रहा है, पी की ओर जा रहा है, तो इधर बैक थोड़ी आएगा ये, इसका मतलब है कि ये एम जो है इसका पॉइंट नहीं होगा, इसका मतलब ये फॉल्स है, तो फॉल्स एफ लगा देते हैं। रे ओ पी इज डिफरेंट फ्रॉम रे ओ पी क्यू पी, रे ओ पी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यू पी, यहाँ पे बतला रहा है रे ओ पी इज डिफरेंट, मतलब वो क्यू पी से अलग है, तो ओ पी जो है यहाँ से शुरू हो रहा है और आगे जा रहा है, और क्यू पी जो है यहाँ से इसके पीछे से शुरू हो रहा है और आगे जा रहा है, दोनों जो है एक ही साइड में जा रहा है, लेकिन डिफरेंट क्या है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है और ये यहाँ से शुरू हो रहा है, इसीलिए डिफरेंट है, मतलब ये ओ पी क्यू पी से डिफरेंट है, तो ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू। एच में दिया हुआ है रे ओ पी इज सेम एज रे ओ एम, तो ओ पी यहाँ पे देख रहे हैं ओ पी कहाँ है, ओ पी, और सेम किसका बोल रहा है, ओ एम, तो बिल्कुल भी सेम नहीं, क्यों, क्योंकि ये इधर जा रहा है और ये इसके जस्ट उल्टा जा रहा है, तो मतलब सेम नहीं है, मतलब ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो गया। रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी, अपोजिट नहीं है, मतलब ओ एम किधर जा रहा है, ओ एम इधर जा रहा है और ओ पी उधर जा रहा है, तो अपोजिट तो है, इसका मतलब है कि ये फॉल्स है, इसको फॉल्स कर देते हैं। ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी, इनिशियल मतलब होता है प्रारंभिक, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, ओ पी, ओ पी यहाँ से इधर जा रहा है, नॉट एन इनिशियल, नॉट मतलब नहीं बोल रहा है, तो यहाँ से यहाँ इधर जाएगा तो यहाँ स्टार्टिंग यहीं से हुआ, मतलब ये फॉल्स है, तो यहाँ पे फॉल्स लगा देते हैं। और यहाँ पे लास्ट जो ये है के नंबर में, एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम, तो ये सही हो सकता है क्योंकि एन से शुरू हो रहा है और यहाँ से भी एन से शुरू हो रहा है, इनिशियल मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआत पॉइंट, एन यहाँ पे देखते हैं एन से पी की ओर गया, ये सही है एन पी, उसके बाद क्या बोल रहा है एन एम, तो एन से इधर गया, तो स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एन ही हो रहा है, इसीलिए ये ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे इसको ट्रू लिख देते हैं। इस तरह से हम लोगों को समझ समझ के पढ़ पढ़ के पिक्चर के साथ सॉल्व करते जाना है, फिर आप लोगों को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम फील नहीं होगा, इसको बेहतर ढंग से स्टडी करते हुए समझ समझ के बनाना है, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये तो ईजी मैथ था, इससे आगे आने वाले समय में इससे और हार्ड मैथ मिलेगा, उसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से पढ़ पढ़ के सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ कि हमारे वीडियो से आप लोगों को जरूर मदद मिल रहा होगा, अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से मदद मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिन बच्चों की आवश्यकता है कम से कम वहाँ तक पहुँच जाए। इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।